हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम लिखा है ए बी और सी। कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल, है ना, प्रोड्यूस किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें। सपोज मैंने ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ, पॉइंट डी तक प्रोड्यूस्ड कर दिया। तो कह रहा है कि ऐसा एंगल जो बन जाता है एक्सटीरियर, देखिए ये सभी जो बन रहे हैं आपके, अगर मैं नेमिंग कर दूँ, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सॉरी सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, ये मेरा क्या है, इंटीरियर है। और जो ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ ये बन रहा है आपको ये फोर, यही क्या है आपका एक्सटीरियर है, यही आपका क्या है एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो अपने इंटीरियर के जो अपोजिट्स एंगल होंगे, ठीक है, जो अपोजिट्स एंगल होते हैं उसके सम के क्या होता है, वो इक्वल होता है, ये बताना है मुझे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लेट भाई, हमने माना ही तो है, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच साइड साइड बी सी प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी तक आपको प्रोड्यूस्ड किया गया। और जो एंगल फोर है वो क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, यही क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल ही है, ठीक है, क्लियर है। हमको प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ लिया आप लोगों ने, प्रूफ ये करना है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल फोर इज इक्वल टू, वो अपने इंटीरियर को छोड़ करके जो अपोजिट्स उसके इंटीरियर हैं, है ना, अपने इंटीरियर के अपोजिट्स एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी ये फोर जो बन रहा है वो यहाँ इस, ये फोर एक्सटीरियर है और उसका इंटीरियर क्या है, थ्री वाला एंगल्स है, थर्ड नंबर वाला एंगल्स है। और ये थर्ड वाले को छोड़ करके जो अपोजिट्स फर्स्ट और सेकेंड बनता है उसका सम जो होगा वो फोर वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई ना, कैसे हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ पर करना है प्रूफ कि ये कैसे प्रूफ होगा, क्या कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने किया, इस बार कंस्ट्रक्शन है नहीं तो कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं करेंगे। तो आप अब देखें, आप देखें कि करना क्या है आपको, है ना, आपको करना क्या है, चलिए एक बात और देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, तो क्या लगाएंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल है भाई, तो जब ये ट्रायंगल है तो इसकी सम एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इज इक्वल टू कितना होगा, 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बातें हमारी हो गई, ये बातें हो गई ना। दूसरी चीज आप देखो कि ये जो बी सी एक लाइन है, किस पर, सी पर कुछ एंगल्स बन रहा है ना, तो क्या होगा, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू कितना, 180, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन पर बन रहा है और इसको मैं कहता हूँ क्या, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, एक एंगल यहाँ बन रहा है दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है, किस पॉइंट पर बन रहा है, सी पॉइंट पर बन रहा है ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब मैंने इस इक्वेशन का नाम दिया फर्स्ट और इस इक्वेशन का नाम दिया सेकेंड, आप देखो उसमें एंगल फर्स्ट में और एंगल सेकेंड में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का आर एच एस क्या है, वो इक्वल है, तो एल एच एस भी अपना क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड, एंगल थर्ड यहाँ भी है और एंगल थर्ड यहाँ भी है, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, भाई एक साइड में जाने पर क्या होगा, इसको अगर मैं एक साइड ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड। ओके स्टूडेंट, जो आपको प्रूफ करना था वो मिल गया ना। ओके स्टूडेंट, आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर।